हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम रतन जोत का तेल बनाएंगे। ये तेल आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा काला, लंबा और मजबूत बनाता है। ये आपके रूखे सूखे बेजान बालों में बहुत ही ज़्यादा चमक ले आता है और साथ ही हमारे स्कैल्प रिलेटेड इश्यूज़ जैसे कि डैंड्रफ और खुजली की समस्या को तो एकदम जड़ से ही ख़त्म कर देता है। और ट्रस्ट में गाइस, जब आप इसका रेगुलर बेसिस पर यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बाल दुगनी तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे और आसानी से सफ़ेद भी नहीं होंगे। तो आइए इस 100% नेचुरल और इफ़ेक्टिव रतन जोत ऑयल को बनाना शुरू करते हैं। रतन जोत ऑयल बनाने के लिए मैंने ये 10 ग्राम के करीब रतन जोत ले ली है। ये दिखने में कुछ इस तरीके की होती है और ये आपको किसी भी पंसारी की शॉप पर बहुत ही ईजिली मिल जाएगी, या फिर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और इसे परचेज करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें आधा कप नारियल का तेल डालेंगे। उसके बाद हम इसमें ये रतन जोत डालेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम कर देंगे और इसे तेल में इस तरह मिलाते हुए 5 मिनट अच्छे से पकाएंगे। रतन जोत एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम को तो दूर करती ही है, साथ ही हमारी बाल्डनेस की समस्या को भी एकदम जड़ से ख़त्म कर देती है। ये हमारी स्कैल्प को नॉरिश कर हमारे डैंड्रफ और खुजली की समस्या को भी दूर करती है और साथ ही हमारे बालों पर नेचुरल डाई का भी काम करती है, जिससे कि हमारे बाल आसानी से सफ़ेद भी नहीं होते। तो यह मैंने इसे लगभग 5 मिनट अच्छे से पका लिया है। तो इस तेल को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए अब हम इसमें ये 1/4 कप कैस्टर ऑयल ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और तेल को 5 मिनट और पकाएंगे ताकि रतन जोत की सारी गुडनेस तेल में अच्छे से आ जाए। तो यह मैंने तेल को टोटल 10 मिनट अच्छे से पका लिया है और आप देखिए तेल का कलर भी एकदम चेंज हो गया है और रतन जोत की सारी गुडनेस तेल में अच्छे से आ गई हैं। तो बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एकदम ठंडा हो जाने देंगे। और जैसे ही तेल ठंडा हो जाएगा हम इसे एक स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे। तो यहाँ आप देखिए मैंने रतन जोत ऑयल को छान कर बोल में अलग निकाल लिया है और जैसा कि आप लोगों ने देखा ही कि इसे बनाने के लिए मैंने कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल का यूज़ किया है। ये दोनों ही ऑयल हमारे बालों को काला, लंबा और मजबूत बनाते हैं। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन कर हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और साथ ही हमारे रूखे सूखे बेजान बालों में बहुत ही ज़्यादा चमक भी ले आते हैं। तो ये हमारा रतन जोत का तेल बनकर एकदम तैयार है। तो अब हम इस तरह कोई भी एक कांच का एयरटाइट कंटेनर ले लेंगे और इसमें तेल को स्टोर करेंगे। आप इस तेल को 1 साल तक रूम टेम्परेचर पर रखकर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कब और कैसे अप्लाई करना है। तो बेसिकली जब भी आपको कभी भी अपने बालों को वॉश करना हो तो उससे 1 से 2 घंटे पहले आप अपने बालों की जड़ों में इस तेल को अच्छे से मसाज कर लें और इसे अपने बालों में 1 से 2 घंटे के लिए लगा छोड़ दें और उसके बाद अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें। या फिर अगर आप इसके और ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आप इसे 1 दिन पहले अपने बालों में ओवरनाइट लगा छोड़ दें और नेक्स्ट डे अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें। इस तेल के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे हफ्ते में कम से कम 2 बार अप्लाई ज़रूर करें और इसके रेगुलर यूज से आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम एकदम दूर हो जाएगी, आपके डैंड्रफ और खुजली की समस्या एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगी, आपके रूखे सूखे बेजान बाल बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनर दिखाई देने लगेंगे, आपकी स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपके बाल दुगनी तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो आप भी इस 100% नेचुरल और इफेक्टिव हेयर ऑयल को ज़रूर बनाइएगा। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।